हेलो दोस्तों आपने यूट्यूब की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी अभी यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है गाइज जितने भी इसके आंसर की है सभी को मैं लेकर आ गया हूं और गायज पेपर आपका बहुत आसान था सारे सवाल मैं आपको ट्रिक से करा देता हूँ जल्दी से एक एक सवाल को देख लेते हैं फटाफट तो गाइज अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो तो गाइज नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलेंगे पहला सवाल आपके सामने है सिलिकॉन क्या है सिलिकॉन क्या है सिलिकॉन एक अर्ध चालक है यानी सेमीकंडक्टर है ठीक है गैज राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन देख लेते गैज अगला सवाल एक सवाल ये भी पूछ लिया गया चित्र में ए और बी के बीच तुल्यांक की प्रतिरोध क्या होगा यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा तो गैज़ इसकी इसका फार्मूला होता है वन अपॉन आर वन प्लस वन अपोन आर टू तो गैज जब आप लोग इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या होगी वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू क्योंकि ये पैरेलल में है तो यहाँ से क्या निकल गया आएगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस एक ओम तो राइट right आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तो गैज आप लोग इस प्रकार सवाल करके आ सकते थे अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल गैज आपका ये भी पूछ लिया गया जल का घनत्व किस ताप पर सबसे ज़्यादा होता है तो गैज ये होता है फोर डिग्री सेल्सियस से पे बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल ये पूछ लिया गया किसकी विशिष्ट उष्मा किसकी गैज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है तो गैज़ ये होती है पानी की यानी वाटर की ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा देख लेते अगला सवाल एक सवाल ये पूछ लेगा, जल का छिड़काव करने पर किसी बंद कमरे का टेम्परेचर या ताप गिर जाता है क्योंकि इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा गाइस जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा जल का तापकन यह भी नहीं होगा ठीक है यह भी नहीं होगा ठीक है तो राइट आंसर इस सवाल का किसके साथ चला जाएगा सी ऑप्शन के साथ में ठीक है गाइस देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल ये भी पूछ लिया गया परिदृश्य प्रकाश परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंग धैर्य की क्या प्रास है क्या रेंज है तो गैज इसके लिए क्या रेंज है चार हजार एंगस्टोम से लेकर यह है गैज आपका आठ हजार एंगस्टोम तक ठीक है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तो गाइज़ आप लोग ये सवाल इस प्रकार करके आ सकते थे अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल ये पूछा गया एक विद्युत बल्ब को साठ डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया है इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब बनेंगे कितने इमेज बनेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मूला आप लोग यहाँ से देख लो 360 सिक्सटी थीटा माइनस वन तो राइट आंसर क्या होगा थ्री सिक्सटी अपोन सिक्सटी माइनस वन तो साठ से काटेंगे ये यह आएगा छः बार ठीक है तो एन इक्वल टू छः माइनस वन तो राइट आंसर हो जाएगा फाइव तो दोस्तों फाइव इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा आप लोग इस प्रकार से सवाल करके आ सकते थे अगर आप लोग ऐसी ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं वीडियो को लाइक करते रहेंगे चैनल को ज्वाइन करते रहेंगे देख लेते का अगला सवाल एक सवाल का हिस्सा आपका ये पूछा गया कार के चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे से आ रहे यातायात पर नज़र रखने के लिए होता है तो गैज़ ये कौन सा यहाँ पर मिरर होता है कौन सा लेंस होता है सॉरी कौन सा दर्पण होता है ये होता है उत्तल दर्पण यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा देख लेते गैस अगला सवाल एक सवाल का आपका ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया गणित का सवाल था साइनक्स की वैल्यू दी गई वन पूछ रहे है इसकी वैल्यू क्या होगी देखो साइन एक्स इक्वल टू दिया गया है वन तो साइन एक्स बराबर किसके हो जाएगा वन किसकी वैल्यू होती है वन होती है साइन नाइन्टी की तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी नाइन्टी ठीक है इस तो नाइन्टी को यहाँ पर रख देंगे तो क्या होगा टेन टू इंटू नाइन्टी डिवाइडेड बाई थ्री थ्री से काटेंगे ये कटेगा तीस बार और तीस धुनी क्या हो जाएगा साठ हो जाएगा तो टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज़ रूट थ्री तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन तो गाइज़ आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे आगे बढ़ लें अगला सवाल भी देख लेते हैं